आज मैं आपको एक ऐसे कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ जो बिना वाईफाई बिना सिम कार्ड से आप अपने फोन पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जहां पे भी कैमरा आप लगाते हो, वाईफाई कैमरा अपने घर के अंदर जब इंस्टॉल करते हो, जब आप कैमरा बेडरूम के अंदर या एंट्रेंस के बाहर जब आप लगाते हो, जब आप डोर क्लोज करते हो तो वाईफाई का स्टैंड डिस्टर्ब हो जा रहा है जिससे आप फोन पर एक्सेस नहीं कर पाते, या बेडरूम का दरवाजा जब बंद कर ले तो आपने राउटर हॉल में रखा है या पैसेज में रखा है जहां पर इनफ स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन डोर क्लोज होने के बाद वहां पे वाईफाई का स्ट्रेंथ कम हो जाता है कैमरे के पास, जिससे कैमरा इजीली आपके फोन पे एक्सेसिबल नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसे कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम आपका हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। जी हाँ, बिना वाईफाई से भी आप इसे फोन पे एक्सेस कर सकते हो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी यार पर। मेरा नाम निशान जैन है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ गोदरेज कंपनी का 3 मेगापिक्सल में आने वाला वाईफाई पीटीजेड कैमरा। ये इसका मॉडल जो है एस प्रो मॉडल है, गोदरेज ब्रांड में आता है। काफी अच्छे फीचर इसमें अवेलेबल है। ये वीडियो लाने का मकसद यही था, जो प्राइसेस में गोदरेज प्रोवाइड कर रहा है, आज मैं अगर कंपेयर करूं अदर ब्रांड्स की उस प्राइसेस में इतने अच्छे फीचर्स अवेलेबल होना इस प्राइस में बहुत ही मुश्किल है। इसकी एक और खासियत है, इसके अंदर इनबिल्ट सायरन है, वो काफी इफेक्टिव होता है। हम देखेंगे वीडियो को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इस कैमरे को इजीली आप भी इंस्टॉल कर सकते हो और साथ में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, इसका डेमो देखेंगे, हर एक फीचर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना है आपको सबसे पहले और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है गोदरेज एस इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का सिंबल दिख जाएगा, आपको इमेज दिखेगा गोदरेज एस के नाम से। उससे पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये इंस्टॉल हो रहा है। 3 मेगापिक्सल में आता है, वाईफाई पीटीजेड कैमरे के नाम से जाना जाता है। ये 360 डिग्री रोटेट होता है, होम सिक्योरिटी और स्मॉल ऑफिसेज में यूज होने वाला वायरलेस वाईफाई कैमरा, वाइडली यूज होता है और गोदरेज ब्रांड में आता है, वेल नोन ब्रांड है गोदरेज। किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको कि ब्रांड अपने किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे आप अपने फ़ोन में, उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है। अकाउंट क्रिएट करके आपको लॉगिन करना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज। इसमें आपको ऐड डिवाइस के ऑप्शन में जाना है, उसके पहले आपको अपने फ़ोन की वाईफाई की सेटिंग में जाना है और कैमरे का हॉटस्पॉट सिलेक्ट करना है। कैमरे का जो हॉटस्पॉट है वो IPC के नाम से स्टार्ट होता है, उसे आपको कनेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर लेता हूँ, मैं कैमरे के हॉटस्पॉट को यूज़ करके फ़ोन में एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको कैमरे को रिमोटली एक्सेस करना होगा तब आपको कैमरे को वाईफाई देना कंपलसरी होगा। बिना वाईफाई से आप रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाओगे। जब आपके यहाँ पे कैमरा लगा हो, वाईफाई डाउन हो या कनेक्टिविटी ना मिल रही हो और आपको रिकॉर्डिंग चेक करना है तो कैमरे के पास में जाकर कैमरे का हॉटस्पॉट यूज़ कर आप कैमरे को अपने फ़ोन पर एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। लेकिन आप जब रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो तो वाईफाई मस्ट है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्मल वाईफाई कैमरा जैसे वर्क करता है वैसे ये कैमरा वर्क करता है, लेकिन इसके 2-3 फीचर इतने अच्छे हैं जो प्राइसेस में एग्रेसिव प्राइस में गोदरेज दे रहा है वो किसी ब्रांड अब तक नहीं आ रहा है, तो बेस्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको सबसे पहले हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है, IPC के नाम से आता है गोदरेज का। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको होम पेज पे जाना है, होम पेज में जाना है आपको और ऐड स्मार्ट डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है और इसे अलाउ करना है। उसके बाद आपको कैमरे के साइड में आप देखेंगे एक बारकोड लगा हुआ है, उस बारकोड को स्कैन करेंगे हम। ये बारकोड स्कैन हो चुका है, आप देख सकते हैं, अब बारकोड स्कैन हो चुका है। अब हम ऐड कर लेंगे डिवाइस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा ऐड हो चुका है और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिमोट व्यू और डायरेक्ट कनेक्शन। तो रिमोट व्यू आपको तब यूज़ करना है जब कैमरा आपको रिमोटली एक्सेस करना है, लेकिन जब आपके यहाँ पर वाईफाई डिस्टर्ब है, वाईफाई डाउन है या प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आप कैमरे के हॉटस्पॉट को यूज़ करके
आप कैमरे में एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको डायरेक्ट कनेक्शन सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आप डिवाइस को नेम दे सकते हैं और कंफर्म करना है। पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इसे स्किप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है, 2 से 3 क्लिक में इंस्टॉलेशन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, काफ़ी सिंपल है और इजीली आप खुद अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हो, अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैमरा ऐड हो रहा है और यहाँ पे कैमरा ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टेटस आ चुका है। अब हम कैमरे के पिक्चर क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को फुल व्यू कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 3 मेगापिक्सल कैमरा, 3 मेगापिक्सल पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है, अभी ये नॉर्मल HD मोड आ रहा है इसमें, राइट। अब आप इसमें HD मोड कर सकते हो, HD मोड सिलेक्ट किया हुआ HD मोड कर सकते हो, तो पिक्चर क्वालिटी पहले से काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं सुपर क्वालिटी, फुल स्क्रीन में आपको पिक्चर क्वालिटी बता देता हूँ। ये देखिए पिक्चर क्वालिटी, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसमें आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी, 3 मेगापिक्सल IP कैमरा, वाईफाई कैमरा है ये, पिक्चर क्वालिटी सुपर है इसकी। प्लेबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, HD मोड दिया हुआ है, आप HD मोड में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो खासियत है, एक अलार्म का ऑप्शन दिया हुआ है, काफी इफेक्टिव फीचर है ये, आप देख सकते हैं इनबिल्ट चैलेंज इसके अंदर लगा हुआ। आप देखिए अभी इसका मैं अलार्म अलर्ट करता हूँ, देखिए सुपर क्वालिटी का ये अलार्म है, सुपर क्वालिटी का ये अलार्म है, काफी अच्छा साउंड देता है, आप देख सकते हैं। और साथ ही जब आप लाइव देख रहे हो, कुछ इलीगल एक्टिविटी होती है कैमरे के सामने, तो आप इसे मैन्युअली अनेबल कर सकते हो और सामने वाले पर्सन को अलर्ट दे सकते हो। और साथ ही आप इसे मोशन डिटेक्शन के साथ भी अनेबल कर सकते हो, जैसे ही कोई कैमरे के सामने मोशन होता है आपको ये अलर्ट दे देता है और अलर्ट ऑन हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं लेंस कंट्रोल का ऑप्शन है, जिसमें आप कैमरे को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हो, लेंस कंट्रोल आप कर सकते हो। मोर के ऑप्शन में आप देखेंगे टाइमिंग क्रूज का मतलब होता है कैमरा ऑटोमेटिकली 360 डिग्री रोटेट होता है। तो यहाँ पे मैं अनेबल कर दूंगा टाइमिंग क्रूज ऑप्शन को, तो कैमरा 360 डिग्री रोटेट होगा, मैनुअल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कैमरा, पर्टिकुलर सेकेंड्स के बाद कैमरा ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। तो आप देखिए अभी कैमरा बड़े स्क्रीन में आप देख सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली ये रोटेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये लिखा है ऑटोमेटिकली 360 डिग्री रोटेट होगा ये पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर सेकेंड्स क्या होता है, देखिए वापस ये रोटेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कैमरा ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है, 360 डिग्री कंप्लीटली रोटेट होगा ये। उसके बाद हम लोग देखें तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आता है ये। उसके बाद आप टू वे टॉक कर सकते हो, एक और ऑप्शन है, अलेक्सा के साथ कंपेटिबल है, इजीली अलेक्सा से कंपेटिबल हो जाता है, काफी इम्प्रेसिव ये कैमरा है। मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा आपके यहाँ पे होम सिक्योरिटी के लिए, स्मॉल ऑफिसेज में आप ये कैमरा लगा सकते हो। गोदरेज ब्रांड का कैमरा है, वेल नोन ब्रांड है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कैमरा है ये, अच्छे फीचर्स के साथ आता है। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे वाईफाई कैमरे देखे हैं, लेकिन 3 मेगापिक्सल में इतने सारे कैमरे के साथ अच्छी क्वालिटी में और ये प्राइस, इसमें काफ़ी एग्रेसिव प्राइस है इसका, उस रेंज में मिलना बहुत ही मुश्किल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।